एवरीवन, देखिए जो लोग एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हमने प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या बार बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करती हूँ। और उससे पहले आपको एक बात बताती हूँ, इसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही लिए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि क्लास के बाद जब 20 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अब इनमें कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, इस तरह से मैं आप क्वेश्चंस 2020 पूरे अपलोड करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। मैथ्स कभी रटने से नहीं आती है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 1720 मीटर स्क्वायर। मतलब जो एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है? ये साइड इस साइड के पैरेलल है। अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और ये हाइट हो गई इसकी, ठीक है? तो एरिया इसका होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है? ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें क्या दिया है कि एरिया दिया हुआ है, यानी कि ये वाला एरिया दिया है 1720, ठीक है? अब क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 40। तो जो ये पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस यानी एच दिया है 40, ये 40 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है? एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 48। एक पैरेलल साइड है जिसकी लेंथ 48 दी है और निकालना क्या है, व्हाट इज लेंथ ऑफ अदर साइड। यानी हमने ए को अगर ये ले लिया तो बी आपको निकालना है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो बी आएगा वही आंसर है। आप देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले इस 2 से इसको कट कर दीजिए, अब इस 0 से 0 को कट कीजिए, अब इस 2 से इसको कट करिए, ये हो जाएगा 2 8 16 2 6 12, 86 हो गया। अब b इज इक्वल टू क्या होगा, 86 माइनस 48। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 48 प्लस b है, इधर पॉजिटिव है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए तो 8 8 16, यानी कि यहाँ पे हो गया 8, ठीक है? और यहाँ पे क्या बचेगा, 3, 4 3 7 होता है, तो 38 आ गया आंसर। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए इसको। राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 आवर्स, 18 घंटे में कंप्लीट करता है। श्याम उसको राम करता है 18 घंटे में। श्याम एंड नरेश, श्याम और नरेश उसको करता है 9 आवर्स में। और राम एंड नरेश करता है 12 घंटे में काम, ठीक है? अब क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल द श्याम अलोन टेक टू डू इट, मतलब श्याम अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन डे का वर्क निकाल लें सबका, ठीक है? तो अभी इससे जो इक्वेशन बनेगी, तो यहीं पर हम अगर इसको कर दें, आर इज इक्वल टू 1/18, एस प्लस एन इज इक्वल टू 1/9, और इसको कर दें इज इक्वल टू 1/12, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको श्याम निकालना है, एस निकालना है, ठीक? तो अभी आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ साइन लगाएंगे, ये कैंसिल हो गया, एस माइनस आर इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/12, ठीक है? ये आ गया। अब क्या करना है, इस R की वैल्यू 1/18 यहाँ पुट कर देनी है। तो S, अब क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 1/9 माइनस 1/12 और माइनस 1/18, ठीक है? माइनस था यहाँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इसमें एक काम कर सकते हैं, देखिए 36 आ गया LCM, क्लियर? तो अभी क्या होगा, 9 चौक 36, 4 माइनस
बारह चौबे 36 हो गया और 18 दूनी 36 हो गया, 4 और 2 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 3 बटे 36 मतलब कट गया, 1/12 करेगा यानी 1/12 क्या है, श्याम एक दिन में इतना पार्ट करता है किसी भी वर्क का। अब पूरा काम कितने में करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 12 आवर्स आएगा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन 20 में से आ रहे हैं, मतलब 20 क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो 2 डेटा इंटरप्रिटेशन और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मतलब एवरेज के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन 5 विलेज इन अ ईयर, एक साल में 5 गांव की पॉपुलेशन का ग्राफ दिया हुआ है ये। ठीक है, अब इसमें टोटल पॉपुलेशन 5 विलेज की दे रखी है 50,000 और ये ग्राफ कैसे है, जैसे येलो वाला रेड और ये हमने शेड किया है, ये 25%, ये 20%, ये ऐसे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जो ग्रीन वाला, अब इसमें यहाँ पर नोटेशन दे रखे हैं, ये वाला जो है वो ए है तो हम यहाँ पर ए लिख दें, ये ए है और ये वाला जो है बी है रेड वाला। ठीक है, सी जो ई है वो ये वाला है, ये ई है और डी ग्रीन वाला है और ये वाला येलो वाला सी है। पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन द विलेज बी एंड डी, बी और डी के पॉपुलेशन का रेशियो पूछा गया है, बी और डी विलेज के। ठीक है, तो बी और बी अपॉन डी यानी आपको निकालना है। ठीक, तो बी में कितनी पॉपुलेशन है, बी मीन्स क्या, रेड वाला ये हमने लिखा है तो 20/100 किसका, 20/100 टोटल पॉपुलेशन का, तो 50,000 से इंटू कर देंगे ऐसे इसका। अब डी का क्या है, डी है आपका ग्रीन वाला ये मैंने लिख लिया है 30%, 30/100 इंटू 50,000 इसमें भी टोटल आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2:3 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, मतलब पहले हम अगर अलग अलग निकालते फिर डिवाइड करते टाइम लगता, यही डायरेक्ट डिवाइड करके सारे टर्म कट गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, बहुत ध्यान से करिएगा ये वाला टॉपिक। चलिए देखिए इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो हम पहले यहाँ लिख लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए क्यूब इन माइनस बी क्यूब दे रखा है। अब यहाँ पर लगाया रेशियो का साइन, अब जो सेकंड नंबर दे रखा है वो लिख लिया, अब यहाँ लगाया प्रोपोर्शन का साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया, अब इस टू लगा करके ए हमें निकालना है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है, आप कैसे निकालते हैं, दूर का इंटू दूर में और पास का इंटू पास में, जैसे ये वाला नंबर है इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, तो जो इसके साथ इंटू होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं कि ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस यानी ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब है शायद ये, हाँ यहाँ पे क्यूब लिखिए, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऊपर के हमने फॉर्मूले लगा दिए, अब नीचे आते हैं, नीचे होल स्क्वायर है तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं और इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ए प्लस बी दो बार है, ये दो बार है पूरा कट गया और ए माइनस बी ये, तो आंसर क्या आएगा, दिस बाई दिस, तो आंसर जो भी दिया हो उसको देख करके आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और
जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि पहले कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बस फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं और इक्वेशन अलग होती है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर दिया है और यहाँ पे एक दे दिया पॉलीनोमियल एट 2x² प्लस 12kx माइनस 25k, तो k आपको बताना है, ठीक है। तो जब भी कोई फैक्टर दिया हो तो इसमें क्या करते हैं कि p को छोड़िए, आप यहाँ पे x माइनस टू फैक्टर दे रखा है, यानी x की वैल्यू हमको 2 पुट करनी है इसमें, ठीक है, और इजिकल टू 0 लगा देना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 × 2² प्लस 12 × k × 2 माइनस 25k इजिकल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व करिए, 2 × 2 = 4 × 8 हो गया, प्लस 24k, 12 × 2 = 24 माइनस 25k इजिकल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। 8 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जो भी फैक्टर्स होंगे उसको हम वैल्यू डायरेक्ट ऐसे ही पुट कर देंगे, अगर यहाँ माइनस 2 है तो यहाँ प्लस 2 रखेंगे, अगर यहाँ होता x प्लस 2 तो क्या रखते, माइनस 2 रखते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है एग्जाम में और आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला टॉपिक और इसके टाइप शुरू कर लीजिएगा। अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग लेंथ दे रखी है, देखिए दो ट्रेन है, ठीक, दोनों ट्रेन चाहे सेम डायरेक्शन में जाएं या अपोजिट जाएं, दोनों की लेंथ को हमेशा प्लस करते हैं टोटल डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ट्रेन जिसकी लेंथ है 360 और दूसरे ट्रेन की लेंथ आपको निकालनी है, तो प्लस एल कर लें, ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस कि दूसरे ट्रेन की लेंथ एल मीटर है, ठीक है। अब यहाँ देख ले, अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, प्लस हो जाती है। 108 में दूसरी स्पीड है 90, दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर यहाँ अपोजिट की जगह होता सेम डायरेक्शन तो स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है। चलिए अब इसको प्लस करिए, ये हो गया 198 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि आंसर मीटर में बताना है और ये 360 भी मीटर में दिया है, तो हम इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड दे रखा है 198, अब मीटर में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गई 360 प्लस एल, और इसमें टाइम दे रखा है 12 सेकेंड, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, देखिए ये 18 × 1 = 18, 18 × 1 = 18, 11 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11×5 = 55, और इनटू ये वाला 12 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है। तो अब इसको इनटू करिए, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60 और 60 × 6 = 66 में से 360 को हम माइनस कर देंगे तो एल आ जाएगा, तो कितना आ गया, 003, 300 मीटर का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है, 300, क्लियर। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अ क्यूबॉइड विद द डायमेंशंस 2:4:1 यूनिट इज मेल्टेड एंड न्यू क्यूब इज मेड, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कि कोई भी शेप हो उसको मेल्ट करके कुछ और शेप में बना दिया जाता है, उस केस में हमेशा ध्यान रखिए जिसको भी मेल्ट करेंगे उसका वॉल्यूम और जिसमें फॉर्म करेंगे उसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा हमेशा। तो यहाँ पे क्यूबॉइड है, इसको मेल्ट करके क्यूब बनाया है, ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम हम फिगर ना भी बनाए तब भी निकल आएगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम इसको लिख देते हैं। ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, और इससे बना दिया क्यूब। क्यूब में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है, ए ए ए, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH होता है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, ए क्यूब, तो ये हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू 8, तो ए इज इक्वल टू 2, मतलब ए की वैल्यू आ गई आपके 2, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब का बताना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है फॉर्मूला, 6a² तो 6 इंटू ए मतलब 2
का स्क्वायर 6 × 4 6 × 24 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, इसमें क्या है, समृद्धि सोल्ड अ गोल्ड रिंग एट अ लॉस ऑफ 26%। एक गोल्ड रिंग थी जिसको 26% लॉस पे बेचा गया और उसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस बतानी है। ठीक है, तो इसमें पहले आप देखो कि कितना उसको लॉस हुआ, तो 26% किसका, जो उसका सीपी है 38500, इसी का 26% लॉस पे बेचा, तो जो भी ये डिजिट आएगी उतना लॉस हो जाएगा, उसको इसमें से माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए 20 से 20 को कट कर दिया, अब 385 को 26 से कर लें मल्टीप्लाई, 6 × 5 = 30 होता है, 6 × 5 = 36, 6 × 42 = 48, 49 × 50 = 51, 5 आ गया, 6 × 12 = 18, 19 × 20 = 21 – 22 – 23 हो गया ये। ठीक है, 5 × 2 = 10, 8 × 2 = 16 और 1 = 17, 3 × 6 = 7, 0, 1, 0 और ये, मतलब इतने रुपए का उसको लॉस हुआ। अब सेलिंग प्राइस कितनी, यानी कि टोटल ये जो वैल्यू थी 38500 में से इसको माइनस करें 100 10 0 9482, ठीक है 28490, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? 100 मान के भी कर सकते थे, एक्स मान के भी कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, ये समझिए, स्टूडेंट गेट्स 62, 58, 72, 58, 83 मार्क्स इन संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल और कंप्यूटर साइंस, इनमें मिले हुए ये मार्क्स हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, ये हो गया संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स और सोशल और कंप्यूटर साइंस, सी एस लिख देते हैं। ठीक है, अब कितने मिले, 62, 58, 72, 58 और 83 मार्क्स मिले। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द हिज एवरेज मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स मतलब ये, सोशल और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, मैथ्स, सोशल, कंप्यूटर साइंस, यानी इनका जो एवरेज है, तो इनका एवरेज क्या होगा, 7 72 + 58 + 83 / 3, ये हो गया इनका एवरेज। ठीक है, अब वो कितना ज़्यादा है, ज़्यादा में हमेशा डिफरेंस निकालते, कितना ज़्यादा या कितना कम होगा, तो देन एवरेज मार्क्स ऑफ संस्कृत, संस्कृत मतलब ये, इंग्लिश एंड मैथ्स, तो इंग्लिश ये, मैथ्स ये, यानी इन तीनों का, यानी कि 62 + 58 + 72 / 3। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर है। अब देखिए 72 ये है, 72 ये है, अगर हम इसको, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये तो यहीं से कट जाएगा अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस कर देंगे, 8 9 10 11 हो गया और 8 और 5 13 और 1 14। ठीक है, ये तो आ गया 141 और 1/3 ले लीजिए कॉमन, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, और 3 1/3 को कॉमन ले लिया हमने। अब इन दोनों को ऐड करिए, ये हो गया 8 2 10 6 6 12, कितना आएगा 21, तो 21 × 1/3, 3 × 7 = 21, 7 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पी एंड क्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनवर्सली मीन्स क्या होता है कि पी अगर ये लिया तो इनवर्सली मीन्स ये वाला होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब भी कभी हम इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट हमको लगाना पड़ेगा, तो अगर हम इसको इक्वल लगाएं तो 1/Q × K लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बन गई आपकी इक्वेशन, अब क्या कह रहा है ये समझिए, व्हेन पी इज 10 क्यू इज 6, पी अगर 10 है तो क्यू है 6, तो इससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं 60,
10 × 6 = 60 हो गया, ठीक है। अब पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू, अगर पी 15 है तो क्यू कितना होगा। अब देखिए इसी में लिखिए पी 15 है तो 15 = तो क्यू कितना होगा और के की वैल्यू हमको यहाँ से लगा देनी है, ठीक। तो 15 × 60 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे q = 4, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जगह होता डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल, अगर डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता तो हमको क्या लिखना पड़ता ऐसे, ये ध्यान रखिएगा। अगर इनवर्सली आ गया है तो डायरेक्टिव भी आ सकता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है एक्चुअल में उतना होता नहीं है। देखिए पाई द पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स इन डिग्री, डिग्री में फैब्रिक्स दिए हुए हैं ये एक्सपोर्ट का, ठीक है। कौन से साल का, 2015 में दिया है, ठीक। इफ द इनकम फ्रॉम 1 टन फैब्रिक ए इज 3 times, मतलब ए कितनी है 3 times ऑफ फैब्रिक सी, ये दिया है, ठीक है। अब बताना क्या ए और सी का रेशियो क्या होगा, यानी एज टू सी निकालना है आपको, क्लियर। तो अब आप क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए पहले आप ये देखो ए और सी, तो ए आपका दिया है कितना दिया है 72 degrees दिया है, सी दिया 18 degrees, और ये क्या है ए अपॉन सी, तो 18 × 36 = 54, 18 × 72 ए अपॉन सी आ गया 4, ठीक है। और यहाँ से ए अपॉन सी निकालेंगे तो कितना आएगा 3/1। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 4/1 मतलब 12 is to 1, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट इज 66। तो अभी पहले टोटल मार्क्स निकाल लो, टोटल मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 66 × 13, ठीक है। तो कितना होगा पहले वो और लिख लेते हैं पहले, फिर आगे क्या दिया है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7, तो टोटल मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स कितना होगा × 7, और इसका एवरेज दे रखा है 67, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है लास्ट 7 का, तो ये भी 7 से इंटू होगा और ये 69, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये 7 और 7 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 14 का टोटल, 14 स्टूडेंट्स का टोटल कितना आ जाएगा। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको पहले हम ऐड कर देंगे, तो देखिए 7 तो दोनों में है, 7 को ले लें कॉमन, और इन दोनों को प्लस करना है तो इसको प्लस करिए, तो कितना हो गया 16, अच्छे अच्छे 12 और 1 13, 136 हो गया, ठीक है। अब इसको इंटू कर दीजिए, 6 × 36 = 6, 7 = 42, 4 आ गया और 7 × 21 = 4 = 25 हो गया, 2 × 7 = 8 = 9, 952 आ गई इसकी वैल्यू 14 की टोटल, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, 13 × 6 = 78 होता है, 78 यानी कि 7 कैरी, फिर से 78 ऐड कर दें, 14 × 1 = 15, 8, 858 ये आ गया। अब देखिए ये है 13 का टोटल, ये है 14 का टोटल, इसमें से इसको माइनस कर दें जो बची हुई वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो 8 × 4 = 12 होता है, ये आ गया, और इधर से एक कैरी ले लिया तो ये आ गया 9, 94, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, शोभा परचेज्ड अ स्मॉल प्लॉट, शोभा ने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, कितने में भी खरीदा हो। अब क्या कह रहे हैं, सोल्ड इट टू लक्षिता, लक्षिता को बेच दिया 20% पे, ठीक है, 20% प्रॉफिट पे, फिर लक्षिता ने उसको दिनेश को बेच दिया 10% लॉस पे, पूछा है दिनेश ने कितना पे किया, ठीक है। तो देखिए जो ओरिजिनल वैल्यू है
वो आपके हमेशा लेफ्ट में आएगी। तरीका बता रही हूँ कैसे करना है। बीच में हो सकता और भी हों लोग, तो उसमें प्रॉफिट में भेज दें, लॉस में भेज दें, और भी आगे सीरीज हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रॉफिट में बेचा जाए उसको ऐड करिए 100 + 20/100, ठीक है। फिर दूसरे को क्या किया इन्होंने, दूसरे को लॉस पे बेच दिया, -10 कर दिया। अब आगे बेच नहीं रहे, ठीक है, यहाँ तक मतलब दो चीज़ें दी हैं। तो अब उसके बाद क्या गया, पहले ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो कितनी है, 6, 1, 2 फिर 5 0 है ना, 5 0 आ गए, ठीक है। अब ये किसके इक्विवेलेंट है, जो दिनेश ने पे किया, पे लास्ट वाला, ठीक है ये। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है, 120/100, 90/100, ठीक है, इंटू 6 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 0, ठीक, 2, 2, 4, 0, 2, 2, 4, 0 तो कट गए। अब बचा क्या, 0, 0, 0, 3, 0 तो यही है, ठीक। और इसको इंटू करिए, 6 × 36, 6 × 42, 6 × 48, 6 × 49, 54 हो गया, और इंटू 12, ठीक। तो अभी क्या आएगा, 0, 0, 0 और 12 × 48, 12 × 5 = 60, 61 × 62 = 63 = 64, 648 000 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। इसमें और भी सीरीज ऐड हो सकती है, तो वो आप कर लीजिएगा। तो अगर प्रॉफिट में है तो प्लस करना है, लॉस में है तो माइनस कर देना है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 1020 इन 3 years, एंड मतलब दोनों अमाउंट दे रखे, वो 3 साल का अमाउंट है, ये 2 साल का अमाउंट है, प्रिंसिपल यानी कि पी आपको बताना है, ठीक है। और दोनों ही हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो पहले हम एक काम करते हैं ना, कि 2 साल का जो अमाउंट है 1020 कितने साल का है, 3 years का, ठीक। और दूसरा कितना अमाउंट है, 980 कितने साल का है, 2 साल का। तो इसमें से इसको माइनस कर दे, तो 1 year का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट होगा, ठीक। पहले इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 0, 8, 4, 12 तो 4 आ गया, और ये 40 आ गया। एक साल का जो प्रिंसिपल है वो है, सॉरी, एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 40 रुपये है, ठीक है। अब 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि 2 साल का हमें अमाउंट पता है, तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो 80 रुपये हो गया, 40 + 40, ठीक। अब देखिए, 2 साल का हमको इंटरेस्ट पता है, 2 साल का हमको अमाउंट पता है, प्रिंसिपल हम निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट 009, यानी ये जो हो गया वो प्रिंसिपल हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर, अ सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज दिस इन 3 years, रुपीज दिस इन 5 years, ठीक है। रेट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, 1 + r/100 होता है, ठीक है। अब देखिए, जो बाद वाला दिया है पहले हम उसको लेंगे, यानी 8100 इज इक्वल टू, पी को पी ही रहने दीजिए, आर को आर ही रहने दीजिए, टाइम दिया है 5, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 6400 p 1 + r/100 / 3, 3 साल है, डिवाइड कर दिया, p से p कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम वैल्यू है, डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस हो जाएगी, पावर होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये कितना आएगा, इसको माइनस कर डिवाइड किया तो ये आ गया। अब इसको पहले लिखेंगे, 1 + r/100 / 2 इज इक्वल टू 81/64, तो 1 + r/100 / यहाँ स्क्वायर लगा था, इसका स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक, 9/8, तो r/100 इज इक्वल टू 9/8 - 1, यानी कितना हो गया, 1/8 हो गया, तो r =
हंड्रेड बाई एट, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, आठ एकम आठ, बच गया कितना दो, आठ दो नहीं सोलह, बच गया चार। चलिए ये आ गया आंसर, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। देयर इज 25 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 25 लीटर में, 25 लीटर में क्या है, मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक, और कितना है रेशियो में, 3:2 रेशियो में है, ठीक है। अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 50% वाटर होना चाहिए। इसमें मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ में मिस्टेक होने के चांसेस हैं, क्यों, क्योंकि 50% देखिए पानी कितना मिलाएं कि 50% हो जाए जो रिजल्टेंट है वो। सबसे पहले आप निकाल लीजिए मिल्क कितना है एक्चुअल में, तो 25 में इन दोनों को प्लस करेंगे और 3 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 लीटर मिल्क है इसमें, ठीक है, 15 लीटर मिल्क। अब वाटर अगर हमें निकालना है तब भी ऐसे करेंगे, 25/5 इंटू ये दो कर देंगे तो 25 हो गया, 5 दूनी 10, 10 लीटर। अब देखिए यहाँ पर भी सेम डिजिट थी तो यहाँ से 5 से डायरेक्ट इंटू करके निकाल सकते थे, ठीक है। देखिए अब ये 10 लीटर ये है, तो अब देखिए सपोज x लीटर मिला जाए, मिल्क हो गया वाटर हो गया, सपोज पानी x मिलाया जाए तो रेशियो 50% का मतलब अगर 50 वो होगा तो दूसरा भी 50 होगा, यानी रेशियो होगा 1:1 का, ठीक है, तो 1/1 लिख दीजिए। तो अब x कितना हो जाएगा, 15-10 दैट इज 5, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। नाउ 17 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए 16 में से पहले ब्रैकेट बॉड मास लगेगा, 16 में से 12 माइनस करेंगे बचेगा 4, ठीक है, 2/5 - 1/5, ठीक। अब क्या करेंगे, 4, अभी हम सिर्फ इसको लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 1/15 है, ठीक है, 15 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 3 2 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे, 4 3 12 और 1 13, 13/3 तो ये आ गया, ठीक है। अब इधर आओ, अब यहाँ पे क्योंकि डिवाइड लगाई, यहाँ इंटू लगाइए, रेसिप्रोकल करेंगे तो 81 अपॉन, अब 81 से इंटू करके 4 कर दीजिए, तो 3 1 3 और 16 8 24 हो गया, और 4 जोड़ेंगे, 4 3 7 ये आ गया, ठीक है, मतलब दिस इंटू दिस प्लस 4 करेंगे तो 2 ये आ जाएगा आपका 247, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा, ये किससे कट होगा, ये कट हो जाएगा आपका 3 से, 3 2 6 7 8 3 7 21, ठीक है, और ये 13 से कट जाएगा, 13 1 13 14, मतलब 11 बज गया, 13 9 117, ठीक, ये आ गया, ठीक है। तो आ गई आपकी वैल्यू 27/19, तो 19 1 19 हो गया, और ये बच गया 8/19, मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, मतलब दोनों के अलग अलग कैपेसिटी दी है कि इतने दिन में करता है। बी वर्क्ड फॉर 12 डेज, बी ने 12 दिन तक काम किया और काम छोड़कर वो चला गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो बचा हुआ काम है वो ए करेगा, तो पहले हम निकालें बी ने कितना काम किया, मतलब काम कितना हो चुका है, ठीक है। तो बी करता है कितने पार्ट, एक दिन में करता है बी 1/48 पार्ट। अब 12 दिन में कितना करेगा, 12/48, 12 4 36, 12 4 48, 1/4 पार्ट हो चुका है। लेफ्ट पार्ट कितना बचा, 1 में से हमेशा माइनस करते हैं, यानी कि 3/4 पार्ट लेफ्ट हो गया, यानी ये कौन करेगा, ये ए करेगा, ठीक है। तो 3/4 पार्ट ए करेगा, तो ए की कैपेसिटी क्या है, 1/36 पार्ट
ए करता है एक दिन में, तो 3/4 कितना करेगा, 1/1/36, मतलब ये वाली वैल्यू नीचे आती है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 36 × 3/4, 9 × 4 = 36 होता है, 9 × 8 = 27 हो गया, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइस ऑफ फैन इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 28% एंड देन इंक्रीज बाई 35%, इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज दिस, तो ओरिजिनल प्राइस बताना है। ऐसा फॉर्मूला मैं पहले भी लगा चुकी हूँ और इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ओरिजिनल वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो अभी हम कैसे करेंगे, पहले डिक्रीज हुआ तो 100 - 28 किया, फिर इंक्रीज हुआ तो 100 + 35 किया, ठीक है? अब इनटू ओरिजिनल प्राइस बताना है, यहाँ ओरिजिनल प्राइस बताना है, दैट इज इक्वल टू किसके हो गया, ये 12515, ठीक है? क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 1215 इनटू रेसिप्रोकल कर दें 100 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 72, ठीक है, इनटू 100 / 135, ठीक है? ओके, अब क्या करना है, उसको कट करना है। कट कैसे करेंगे, ये देखिए 3 से कटेगा और ये 5 × 2 = 7 × 9, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है? 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, फिर काट दो 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, अच्छा जी पूरा पूरा कट गया ये, और 2 से कट करें, 2 × 8 ये हो गया 50, 4 से भी कट कर सकते थे, 25 आ गया, यहाँ 25 × 5 = 125 और 0, ठीक है? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? 20वां क्वेश्चन देखिए, चोर वाला क्वेश्चन जरूर आता है, चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ दिया है अ पुलिस मैन चेज द थीफ हु इज 630 meters अहेड, ठीक है, ऑफ हिम, मतलब ये अगर पुलिस है तो ये है थीफ और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 630 meters यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है? इफ दे रन एट द स्पीड ऑफ 9.5, अब मान लो ये दोनों भाग रहे हैं, सपोज x मीटर के बाद ये पकड़ गए, तो यहाँ से ये जो स्पीड है इसकी, ये दे रखी है 9.5 km/h और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 6.5 km/h, ठीक है? व्हाट इज द डिस्टेंस, किलोमीटर में डिस्टेंस बतानी है कि ये कितनी दूर भागा, तो पहले हम मीटर में निकाल लें बाद में किलोमीटर में निकाल लेंगे, ठीक है? तो यहाँ से देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम दोनों का सेम होगा, टाइम टेकन बाय पुलिस बाय टाइम टेकन बाय थीफ, क्लियर? दोनों सेम टाइम तक भागें तो दोनों का टाइम इक्वल कर देंगे, टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय थीफ। अब इसने कितना टाइम लिया, देखो डिस्टेंस कितनी होगी पुलिस की, 630 + x टाइम, और स्पीड कितनी है 9.5 है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है x अपॉन 6.5 × 5/18, कट कर दीजिए, 5 × 5 = 45, 5 × 5 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 19x = 13 × 26 = 39, 3 × 3 = 39, 3 × 5 = 78, 8, 9, 10, 11, ठीक है, +13x, अब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 19 में से 13 माइनस करेंगे
ठीक है, कट कर दीजिए इसको, कट करेंगे जो भी आएगा उसको 1000 से डिवाइड, जो भी आएगा आंसर मीटर में आएगा, फिर जो भी आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एक मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा और जो भी वैल्यू आएगी उसको 1000 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है किलोमीटर में चेंज करने के लिए, जो भी आएगा नियर अबाउट आंसर आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो डेसिमल के सारे भी छोड़ देंगे और जो भी आएगा उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने आपको 20 क्वेश्चंस वो करवाए जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब देखिए 20 क्वेश्चन में हमने क्या देखा, डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन, एवरेज के 3 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का मीन वैल्यू का क्वेश्चन आएगा या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना आएगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन और ट्रेन वाला 1 क्वेश्चन और एवरेज का जरूर कर लीजिएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी हैं। तो हर बार 20 क्वेश्चन करने के बाद आप यही देखेंगे कि एनी टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी एक्स्ट्रा आप नहीं पढ़ना है। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।